वेलकम हियर। मैं हूं सना, एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे मूली की चटनी। जैसा कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और अब तो बिल्कुल आम मूली मिल जाती है, कोई इसमें मुश्किल नहीं कि आपको ढूंढनी पड़े बाजार में मूली। मूलियां पाकिस्तान और इंडिया में तो स्पेशली बहुत ही ज्यादा मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ साइप्रस में मैंने ये मूलियाँ जो हैं वो एनर्जी मोड से ली हैं। जिस जिसको नहीं पता वो वहाँ से ले लें, तो है पाकिस्तान इंडिया वहाँ तो आपको आराम से मिल जाएंगी। तो मैंने एक छोटे साइज की मूली काट ली है जो कि 1 कप बनी है। उसके बाद मैंने लिया है धनिया 1 कप, हाफ कप से भी कम मैंने पानी लिया है, और 1 स्पून मेरे पास लेमन जूस है, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्चें काट ली हैं मैंने, और नमक आप हसबे जायका ले सकते हैं, हाफ टी स्पून सूखे धनिए का पाउडर और हाफ टी स्पून सूख मिर्च पाउडर आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, और अदरक लहसुन मैंने लहसुन के 3 जवे रफली काट लिए हैं, और आधा इंच मैंने अदरक जो है वो भी इसी तरह रफली काट लिया है, क्योंकि अभी हम इन सब चीजों को ब्लेंड करेंगे। तो बाकी हम मूली के फायदे और चटनी के फायदे और बनाने का तरीका ये सब आपको अब बताते हैं। सबसे पहले हम पानी डालेंगे, फिर लेमन जूस, अदरक लहसुन, मूलियां, धनिया, हरी मिर्चें, सूख मिर्चें, जीरा पाउडर, के बाद है सूखे धनिए का पाउडर, नमक हसबे जायका आप ले सकते हैं। मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम ब्लेंड करेंगे इनको। अब हम इसे निकाल लेंगे। मूली की चटनी बिल्कुल रेडी है। मूली खाने से जिन लोगों को पेशाब रुक रुक कर आता है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यरकान के मरीज मूली खाने से सेहतमंद हो सकते हैं अगर वो हर रोज मूली खाएं तो। कच्ची मूली जो है वो बहुत ही फायदेमंद है, बजाय इसके कि आप पका के उसका पानी निचोड़ के इस तरह से खाएं, तो आप कच्ची मूली खाएं, चाहे उसे चटनी की शक्ल में खा लें, तो ये बहुत सी बीमारियों का हल है। तो जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है। पेट की तमाम बीमारियों के लिए मूली की चटनी बहुत ही अच्छी है। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।